हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेल्थ हाउस। तो डिस्कस कर लेते हैं कल निफ्टी कहाँ ट्रेड कर सकता है और क्या पॉसिबल सपोर्टेशन देखने को मिल सकते हैं हमको। तो निफ्टी का आज क्लोजिंग आया 20,900 पे, तो काफ़ी साइडवेज इसमें मोमेंटम रहा निफ्टी के अंदर पूरे दिन, और कुछ भी ट्रेंडिंग मूव देखने को नहीं मिला और एक रेंज के अंदर ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इसका लोअर एंड है 20,850 और अपर एंड है 20,963। ये 100 पॉइंट की एक रेंज आप बोल सकते हैं। तो हो सकता है कि कल इसका ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट देखने को मिले, तो हमको एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी हाई है। लेकिन काफ़ी निफ्टी स्ट्रेच हो गया है, तो अगर नीचे के साइड का ट्रेड मिलता है तो और भी अच्छा है। पुट साइड का ट्रेड हम बनाएंगे कल, अगर ब्रेक करता है तो लोअर लेवल। तो ये सिंपल सा निफ्टी के अंदर सेटअप है कल के लिए। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी भी आप देखें तो एक रेंज मैंने कल ड्रॉ कर रखी थी, आपको बोला था कि अगर फ्लैट वगैरह खुलता है तो एक बार कुछ सेलिंग का ट्रेड भी ले सकते हैं अगर आप इसको ब्रेक डाउन देता है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी फ्लैट खुला और काफ़ी अच्छा डाउन साइड मोमेंटम दिखा फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर, तो ज़्यादा एंट्री नहीं हुई। उसके बाद एक इस रेंज का ब्रेकआउट किया, वापस इसी रेंज के अंदर आ गया। तो यहाँ पर एक बोल सकते हैं कि फेल्ड ब्रेक डाउन हुआ है, हो सकता है कि अपसाइड भी निकलने के चांसेस है कल अगर निकलता है तो। फ्लैट खुल के अपसाइड को ब्रेक करता है जो कि लेवल है 47,220 के आसपास का, अगर निकलता है तो हम आप इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। अगर इसका भी ब्रेक डाउन फेल होता है तो फिर हम उसको बोल सकते हैं कि इसका इधर ब्रेकआउट भी फेल हुआ, पहले ब्रेक डाउन फेल हुआ, ब्रेकआउट फेल हुआ, उसके बाद लोअर रेंज ब्रेक कर दी। तो वो थोड़ी बात की बात है, वो हम इंट्राडे में डिस्कस करेंगे। और आई होप आप ऑल यू जो ऑल ज्वाइन द ग्रुप, उसके अंदर हम जो भी ट्रेड करते हैं इंट्राडे के अंदर तो हम वहाँ पोस्ट करते हैं। आजकल कैश में, कैश के स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ रहा है, आईटी स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स और ये अपने पीएसयूज पढ़ रहे हैं, तो हम आप उसको डिस्कस करते हैं, वो हम मेंशन करते हैं लेवल विद स्टॉप लॉस, तो आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं, ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतने वीडियो में, थैंक यू गाइस, थैंक यू।